दोस्तों आपको बताएं कि स्वर्गीय आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्वर्गीय आकांक्षा दुबे ने एक फिल्म की शुरुआत करी थी जो थोड़ा बहुत रह के पूरी फिल्म की फिल्म बची, और जब आकांक्षा दुबे का निधन हो गया तो वो फिल्म वहां पर आकांक्षा दुबे को रिप्लेस किया प्रीति मौर्या ने, और प्रीति ने वो पूरी फिल्म शूट की। तो पहला सवाल, प्रीति फिल्म का नाम क्या है, थोड़ा फिल्म के बारे में डिटेल बताएं, कौन हीरो और कैसे क्या शूट हुआ। फिल्म का नाम है नालायक नहीं लायक हूं मैं अच्छा जी। और फिल्म की शुरुआत ऑलरेडी शूट था, मुझे पता नहीं था कि बनारस में शूट चल रहा है आकांक्षा जी का। तो अचानक से जैसे सबको पता चला, न्यूज वगैरह मुझे मैसेज आया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं कहा यार ये मजाक वाली बात नहीं है, मैंने ऐसा रिप्लाई किया, मैंने कहा प्लीज फालतू बात मत करिए। बोले नहीं नहीं सच में। तो फिर मैंने सोशल मीडिया खोला और चीजें जो चल रही थी न्यूज वगैरह में देखा, मैं यकीन नहीं हो रहा था। मतलब अभी मैं रिसेंटली मतलब नाइट में मैंने उनका एक वीडियो देखा, डांस करके उन्होंने रील मस्त डाला हुआ था, इतनी प्यारी सी लग रही थी। और अचानक से सुबह ऐसी न्यूज, मतलब किसी को भी यकीन ना हो वैसी चीजें हो गई। और फिर जब ये सब चीजें हुआ, 2-3 दिन बीता, तो फिर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कॉल आया, क्योंकि सारी यूनिट तो ऑलरेडी बैठी हुई थी, अब उनको भी मतलब नई हीरोइन की तलाश थी। तो आई थिंक काफी लोग का प्रोफाइल उनके पास गया हुआ था, तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मुझे कॉल आया कि प्रीति ऐसी ऐसी चीजें हैं। फिलहाल तो थोड़ा सा डर लग रहा था, अंदर से नर्वस भी थी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाऊं कि ना जाऊं, पता नहीं कैसा माहौल हो वहां पे। बट कोई ना कोई तो करता ही चीजें अगर उस वे से देखा जाए तो। फिर मैंने हाँ बोला, क्योंकि स्टोरी उन्होंने मुझे ब्रीफ किया विकास सर ने, जो हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के, तो बहुत अच्छी थी स्टोरी। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। लेकिन दिन जो पहला दिन था प्रीति शूट का, जी आप सेट पर हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है कि जहां मैं खड़ी हूँ यहाँ पर आकांक्षा दुबे खड़ी हुआ करती थी, जो शॉट दे रही हूँ वो दिया करती थी, आज मैं कर रही हूँ। पहला दिन किस तरह से आपका बीता होगा? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो बिल्कुल होगी। बिल्कुल, मैं बहुत अंदर से नर्वस थी, जैसा कि मैं बता रही हूँ। क्या होता है ना कि एक तो मैं उसी सेम सेट पे जा रही थी, यहाँ पूरी टीम वही, हीरो वही, और मतलब भगवान का मतलब मैं क्या बोलूँ। ये था कि आकांक्षा जी का भी एक भी दिन शूट नहीं हुआ था, वो पहला दिन था जो कि उनको बुलाया बुलाया गया था। तो मुहूर्त वगैरह में तो उन्होंने किया था, बट हालांकि उनका शूट एक भी दिन नहीं चला था। तो मैं तो ये सोच रही थी कि यार मुझे वही कपड़े पहनने पड़ेंगे से। और फिर ये तो कहो उनका शूट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ सीन करते वक्त, हर एक सीन करते वक्त मुझे उनकी याद आती थी कि यार ये सीन आकांक्षा कर रही होती, वैसी चीजें थी। और सेट पे मतलब सब उनको मिस करते थे, हर एक चीज पे उनकी बातें होती थी, क्या बोलूं, बहुत सब वैसा ही था। नहीं बिल्कुल। और कितने दिन चली शूटिंग, हो गई फिल्म की शूटिंग? शूटिंग मैंने 17 या 18 दिन मैंने किया है, जो हीरोइन का पार्ट था, और बाकी मतलब जब आकांक्षा जी थी उस दौरान भी, और उसके बाद भी शायद जो और फैमिली ड्रामा चलता है ना, वो चीजें शूट हुई थी 3-4 दिन। तो टोटल अगर देखा जाए शूट डेज, तो वो 20 डेज प्लस हुआ था। अच्छा, फिल्म के हीरो कौन हैं, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, को-स्टार के बारे में अगर आप बताएं। हाँ, फिल्म के हीरो हैं अखिलेश वर्मा अखी जी, और हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के, जो बालाजी के डायरेक्टर हैं विकास जी, और डीओपी हैं सुरेश जी, और हमारे प्रोड्यूसर हैं रजत द्विवेदी जी, और हमारे फिल्म में जो है स्टार कास्ट संजय पांडे जी हैं, जो कि हीरो के फादर का रोल कर रहे हैं, और इस फिल्म के राइटर हैं मनोज वाह पांडे। यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वाकई में बहुत शानदार, बड़ी बड़ी फिल्म है जी ये। जी चलिए, बहुत बधाई आपको, ईश्वर करे कि जब ये फिल्म रिलीज हो तो सुपर डुपर हिट हो, दो वजहों से, आई हो एक तो इस फिल्म से हमारी प्यारी आकांक्षा की यादें जुड़ी हैं, और दूसरा आपकी मेहनत भी रंग लाना बहुत ज्यादा जरूरी है।